राजा हेलो डार्लिंग, मैं आपका चाहने वाला हूँ। एक गुलाबी होंठ, सुराहीदार गर्दन, मोतियों के दांत देने वाले को। जब तुम मुझे छूते हो, ऊपर से एक बोतल रम मांग रहा है। मैं देखता हूँ, तुम काम करो। जी मैनेजर, रुको। आपको भी क्या, रुको यार, गंदा मत करो यार। हमारे होटल में गड़बड़। आए आए ओए सर, यहाँ तो कोई भी नहीं। क्या अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें? पहले जगह खाली करो। जगह खाली करो। जगह खाली करने के लिए कह रहा है मुझे? जगह खाली करने के लिए कह रहा है? मैं अभी तुझे खाली करता हूँ। क्यों सर जी, उस गुंडे से डर गए? अब मैं क्या करूं भाई, बोलो। पूरा नशे में है, धंधे का टाइम अलग से है। उसे बाहर फेंकना है, इतना ही ना? अगर तुम ऐसा कर दोगे तो हम तुम्हारी फोटो लगाकर उसकी आरती उतारेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं, पहले उसे बाहर फेंक देता हूँ, बाद में हम बात कर लेंगे। जनाब, शराफत से आप बाहर जाएंगे? मुझे बाहर जाने के लिए कहने वाला तू कौन है? आपका पिता हूँ। मेरा बाप? शराफत से बाहर नहीं गए तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। ब्रदर, तेरे बदन में हड्डी है, मेरे बदन में फौलाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, एक आदमी को बाहर फेंकने का 1000 रुपया। हाँ, हाँ, हाँ। और आदमी आए तो बता देना, उन्हें भी बाहर फेंक दूंगा, समझ गए? लीजिए। पैसा निकालो। किस लिए? तुम्हारी हजामत करने के लिए। हाँ? गुंडों से पिटवाता है क्या? रुको, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस किस लिए? तो इंस्पेक्टर बुलाऊं क्या? बोल। भिखारी कहीं का, तुमसे सीधी तरह से पैसे नहीं ले सकते हैं। हाँ।
ए क्या तुमने तो सचमुच मेरी पिटाई कर दी। सॉरी ये ले तेरा हिस्सा और 200 रुपया दो। किस लिए? ज्यादा मार खाने के लिए। क्यों रे, मैंने मारने का नाटक किया ना, इसके लिए मुझे 100 रुपए दे। अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरी आंखों के सामने बार में तुम लोग झगड़ा करते हो और बाहर रखे एक हो जाते हो। हाँ तुम लोग दोनों दुश्मन हो या दोस्त हो? अबे उल्लू, क्या बोला? ये सब सेटअप है यार, हम दोनों दोस्त हैं। जितना भी पैसा है सही बंटवारा करते हैं, 50-50। ऐसे 1500 के लिए क्यों झगड़ा करते हो? मेरी बात मानोगे तुम लोग तो लाखों में खिलाऊंगा तुम्हें। लाखों? दीवानों की तरह क्या देख रहे हो तुम? इस आदमी की औकात टके की भी नहीं है और ये लाखों की बात कर रहा है, यही सोच रहे हो ना? मेरी सूरत में मत जाओ, बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। फैमिली बैकग्राउंड। वो तो ठीक है, 5000 रुपए एडवांस में देना। सिर्फ 5 क्यों, 10 पकड़ो और मेरे साथ चलो। hey, पैसा देके डरा रहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अबे घर आई लक्ष्मी को बाहर नहीं भेजते। हमारी पॉलिसी क्या है जानते हो? जैसे ही पैसे हाथ में आते हैं आखिरी पैसा खर्च होने तक हम किसी से नहीं मिलते, बाद में मिलते। अरे मेरा पैसा लेके भाग रहे हो? अरे कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? की फिकर, अरे ले ले आज जीने का मजा, हो किसको है कल की फिकर, कल की फिकर कल करेगा ले ले मजा जवानी का, अरे ऐसी हंसी रात हमें मिलेगी फिर कहा, ले ले आज जीने का मजा। दूंगा मैं अपनी ये जिंदगानी, सुन ले जाने जा तेरा दीवाना दिल, ये एक जन्म का नहीं ये सातों जन्मों का साथ है,
प्यास ये जाने मन तू पता कैसे बुझेगी। मैं हूँ प्यासा एक जन्म में प्यास कैसे बुझेगी। सातों जन्मों का आजा कर ले मुझसे तू इकरार। मरता हूँ तुझ पे सनम तेरी जुल्फों की कसम। मैं हूँ तेरा शाहजहां तू मेरी है मुमताज। तेरे लिए बनाऊंगा एक नया ताजमहल। ले ले आज जीने का मजा किसको है कल की फिकर। ले ले आज जीने का मजा किसको है कल की फिकर। कल की फिकर कल करेगा। ले ले मजा जवानी का ऐसी हसी रात हमें मिलेगी फिर कहाँ। ले ले आज जीने का मजा। अबे भाई कितनी देर आंखों पे पट्टी बांध के ले जाएगा। अबे खुजली हो रही है। जगह बता दो मैं खुजला देता हूँ यहाँ पर। अबे अपने अड्डे की जगह गुप्त रखने के लिए ही तुम्हारे आंखें बंद करके लेके जा रहा हूँ। एक बात बता हमारी आंखों पे ही पट्टी बांधी है ना, ड्राइवर की आंखों पे नहीं ना। वो तो जब पैदा हुआ तब से ही अंधा है। मैं तो मजाक कर रहा था यार। क्यों भाई सिगरेट है क्या? बंद आंखों वाले सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ऐसा क्या क्या बकवास कर रहे हो यार। तुम दोनों को क्यों बुलाया जानते हो? बताओगे तो पता चलेगा ना? वो नहीं बोलेंगे। काम के बारे में कहां पूछे थे? मुझे देखते ही एडवांस मांगे, एडवांस दिया और नाश्ते में मेरे पीछे पीछे आ गए। शर्मा, मैं तुम्हें जो काम सौंपने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने उसे अंजाम दे दिया तो तुम न जाने कहां से कहां पहुंच जाओगे। तुम कहीं और पहुंच जाओगे। ए, उसे छोड़ो तुम। ए, ए, तुम मार रहे बे? पहले काम तो बताना। बता दो। तुम दोनों ध्यान से टीवी देखो। यह है जनरल प्रभाकर का घर। कड़ी सुरक्षा रहती है यहाँ। यह है प्रभाकर, उसके साथ है विजय कुमार प्रभाकर की इकलौती बेटी उमा। उसकी देखभाल करने वाली मिस राधा। तुम्हें प्रभाकर को मारना होगा। अगर काम में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो तुम लोग फंस जाओगे, जानते हो? वो अपना पुराना धंधा ही ठीक था। अब तुम नहीं जा सकते और तुम हमारा राज भी जान चुके हो। और राज जाने के बाद यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाता है। उसके बावजूद अगर गए तो सिर्फ तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। चोंच बनकर, बहुत गंभीर बात है साहब जी। हमें प्लान बनाने के लिए एक शांत जगह चाहिए। उसके बाद तो झंडे गाड़ दोगे क्या? ओके। काम खत्म होने तक मुंह टेढ़ा किए बगैर हमें जितना पैसा चाहिए मिल जाना चाहिए। मंजूर है? अरे अरे बाप रे। डन। राज वर्मा, डील ओवर। हमेशा इनके साथ रहो। ये जो भी मांगे इनको दे देना। आओ बे, अंदर आओ। अबे क्या हो रहा है? इज्जत। ओ, इज्जत चाहिए है? आइए जी। तो ठीक है, चलो। आइए जी। देख लिया तुमने, इसी घर में तुम लोग रहोगे। बहुत बड़ा बंगला है, पूरा राजमहल है। ऐसे बंगले को तुमने कभी सपने भी नहीं देखा होगा, लेकिन आज से इसमें रहोगे तुम। इसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। बड़ा क्रिकेटर समझता है, बॉलिंग कर रहा है। ए, जो तुम्हें चाहिए मुंह खोल के मांगो। सब खाने की चीजें ला के फेंकता हूँ तुम्हारे ऊपर। कभी भी ये सोचने की गलती मत करना कि तुम हमें बेवकूफ बना के चले जाओगे। अगर ऐसे सोचोगे तो तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। ए राजा, पैसा देके धमका रहा है, कहीं डेंजर जोन में तो नहीं? मैं संभाल लूंगा। अबे ओ चमचे, इधर आना। अपनी गुंडागर्दी साबित कर रहा है क्या? अरे आना। बोलो। सुन, हमारी काबिलियत देखकर ही तू लेकर आया ना, फिर सब्र का इम्तिहान क्यों? क्या मतलब? ए, खाना कहाँ है? खाना सब बाद में, पहले प्लान करो। प्लान करो। प्लान रेडी। फिर अबे क्या कर रहा है? सुन, ज्यादा कुछ नहीं, 10-15 प्लेट चिकन मटन लेके आना के लिए। अरे तू जाने दे,
मेरे लिए एक फूल लेके आना, 24 घंटे चढ़ा के प्लान रेडी। और अरे बाप रे डैडी। क्या है बेटी? यस स्पीकिंग। क्या ये बात है? आई विल बी देयर राइट नाउ। ओके सपना मेरा टूट गया। अरे नामराद की औलाद, पानी क्यों डाल रहा है? हे, तुमने समझा क्या है? ये बंगला है या धर्मशाला? जो दिन में सो रहे हो भिखारी कहीं के। तो मैं चला। अरे बाप रे, क्यों जा रहे हो भाई? इज्जत इज्जत। ठीक है सर, अब क्या लेंगे सर? हम दोनों के लिए गरम गरम दो कप चाय लाना। रसोई घर में गर्मा गर्म तवा है, उठा के लाके तुम्हारे मुंह पे रख दूंगा। तुमने ऐसा क्या तीर मार दिया कि तुम्हें चाय पिलाऊं मैं? ऐ प्लान जनरल चाहिए या नहीं चाहिए? गई भाड़ में, प्लान प्लान बोल के मेरी प्लानिंग खराब कर रहे हो तुम लोग। मेरी बदकिस्मती है, लेके आ रहा हूं। भाग भूतनी के। अरे सोमू, अरे इतने डरे हुए क्यों हो? ए राजा, मैंने एक डरावना सपना देखा। अरे उससे ज्यादा भयंकर सपना मैंने देखा है। पहले मैं बता दूंगा। प्लीज मुझे बोलने दे। अरे मैं बता दूंगा ना। क्या है कि हम जनरल को मारने के लिए जाते हैं, बदले में वो हमको जान से मार डालता है गोली मार के। सोमू बिल्कुल उसी तरह का सपना मैंने भी देखा, लेकिन क्लाइमैक्स में एक मोड़ आया। ऐसा मोड़? जनरल ने गोली मुझ पे चलाई, लेकिन मारने वाला तू। ए भाई, ना जनरल चाहिए, ना उसके बेटे चाहिए, ना मौत चाहिए, मैं चलता हूँ। अरे सोमू सोमू सोमू। मैडम रुक जाइए, एक मिनट। मैडम बच्चे लोग, तुम अंदर जाके भोजन करके जाना। ये आप क्या कह रहे हैं? हिंदी में कह रहा हूँ, अंदर चलिए। बच्चे लोग कड़क धूप में थके पके रहेंगे, इसलिए अंदर जाके भोजन भोजन करके थोड़ी देर आराम करके जाएंगे यहाँ से, तो बहुत ही अच्छा होगा उनके स्वास्थ्य के लिए। आओ बच्चों, अंदर आओ, आओ अंदर आओ। अरे बच्चों नगाड़ा बंद करो, बिल्डिंग गिर जाएगी। अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आइए आइए, राइट वाला पाँव। आइए आइए आइए, बच्चे लोग बैठ के आराम से खाओ, पेट भर खाओ, पेट भर खाओ। राजवर्मा, राजवर्मा, ये क्या?
कौन है बिरदू? मेरा नाम कैसे इतनी परफेक्टली जानते हो? राज वर्मा, हिंदी फिल्म के विलन दिखते हो, क्या चाहिए तुम्हें? जाके राजा से कहो उसका मामा सोमू बुला रहा है। ओ मामा तुम हो? ये कैसे हो गया मामा? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दाढ़ी भी उग गई आपकी। बुला के लाता हूँ। आओ बेटी, आओ 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 बेटी, मैं तुम्हारे बाप के समान हूँ। आओ यहाँ बैठो। मेरी एक ही बेटी है, उसका एक ही पति है, शादी के 5 सालों को एक भी बच्चा नहीं है। ऐसा कोई दवाई नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई वैद नहीं, ऐसा कोई हकीम नहीं। आप रो क्यों रहे हैं? यही सोच रहा हूँ कि उसकी दूसरी बार शादी करा दूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं। ये क्या कह रहे हैं आप? कोई जबरदस्ती नहीं है, और जगह बात चल रही है। ससुर जी, आपने बुलाया, नौकर ने बताया। अबे नौकर किसको बोला? खामोश, कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा वरना शूट कर दूंगा। जरा हटो, लड़की को घुसा रहा, लड़की को घुसा रहा है। लगे रहो, लगे रहो। ये मेरी बेटी है, बहुत खूबसूरत है, सोच रही ना, अपनी माँ पर गई है। ये मेरा दामाद है राजा। नमस्ते। मेरे बारे में कुछ बता दो। तुझे पहचानता नहीं। बेचारे आपके बच्चे नहीं है, आपको वारिस चाहिए, और इनके इनके माँ बाप नहीं है। बेचारे बच्चे प्यार के लिए तरस रहे हैं। यही तो मैडम भगवान का खेल है। इतने सारे बच्चों में से किसी एक बच्चे को मैं गोद ले सकता हूँ मैडम? आप जैसे बे औलाद वाले अगर ऐसा सोचने लगे तो हमारे देश में अनाथ ही नहीं रहेंगे। क्या विचार है, क्या उच्च विचार है। मैडम मैं इसी बच्ची को गोद ले लेता हूँ। इसका नाम रमा है, बहुत अच्छी बच्ची है। सर आप आश्रम आकर कानूनी तौर पर इसे ले जाइए। अबे नौकर, अबे किसको बोला? है राज वर्मा। मामा इधर आ, इधर आ। बोलो मामा। मैडम को 25,000 रुपये दे दो, अनाथ आश्रम में दिया ऐसा अकाउंट में लिख देना। अरे ये क्या, एक मामूली नौकर 25,000 रुपया दे रहा, इसी सोच में डूब गई है ना आप? हमारे लिए तो नौकर लो एकदम भरोसेमंद है, इसलिए नौकर जनरल बच्ची। ये तो नौकर बोल बोल के मार रहा है। दे दो पैसा, पैसा जवाई जी। थैंक यू, थैंक यू। कल मेरे जमाई और मेरी बेटी को तुम्हारे घर को नहीं अनाथ आश्रम में लेके आऊंगा मैं। हाँ जी ठीक है, आप जाके आइए। क्या कर रहे हो? मैडम अब आप चलिए, फिर मिलेंगे। तो अब आप जा रही हैं क्या? जी हाँ मैं चलती हूँ प्यारे भाइयों। जनरल की बेटी तुम्हारे साथ कैसे? वो जनरल की बेटी नहीं है, जुड़वा तो अनाथ बेटियों में से एक बेटी है। इस बच्ची को रखकर आखिर तुम क्या करोगे? जनरल की बच्ची का अगवा करके इस बच्ची को ले जाकर वहाँ रख देंगे। इस बच्ची को यहाँ रखकर उस जनरल को वहाँ क्लोज कर देंगे। हाँ मतलब तुम नहीं मारोगे, एडवांस क्यों लिए थे? मैं तो उस बच्ची को एडवांस दे सकता था। सुनो वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता है। हम लोग एक ही जगह नहीं पहुंच सकते, वो है आग। आग को भी बुझा सकते हैं, लेकिन उस बच्ची की हिफाजत जो करती है ना राधा, उसे कभी नहीं वहां से हटा सकते और ना ही धोखा दे सकते हैं। कर सकते हैं, उसके लिए मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं। राधा को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है, और उस दिन वो जनरल और बच्ची को छोड़कर अपने गाँव जाती है। अबे क्या हुआ? इतना ही काफी है। माँ जानती हो स्कूल में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, देखने के लिए तुम भी नहीं हो, दिखाने के लिए पापा भी नहीं है, इतने बड़े घर में मेरा कोई नहीं है। उमा मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ पर हूँ, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कुछ भी हो आप मेरी माँ नहीं है, आप मेरी आंटी है, और आंटी माँ नहीं बन सकती है। उमा ऑफिसर्स, आई थिंक आप लोगों ने इस सिचुएशन को अच्छी तरह समझ लिया होगा। देश के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं, राइट? विदेशियों का इसमें हाथ है, जैसे मैंने कहा सारे हेडक्वार्टर्स को इतला कर दो, अब आप जा सकते हैं। मिस्टर शंकर, आज से हमारे हेडक्वार्टर्स को आने वाले सारे लेटर्स की अच्छी तरह से जांच करो। मुख्य बात, इसका पता मुझे होना चाहिए। यू मे गो। सुनी क्या है?
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। आप इतनी बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात, बच्चों की मानसिकता को भूल गए। वो फर्स्ट क्लास में पास की है, इसलिए उसे कप मिला है। उसे आपको दिखाने के लिए बहुत देर तक इंतजार करती रही, लेकिन आप हमेशा की तरह ही। कितना बड़ा दिन था वो, जिस दिन मुझे पहली बार प्रमोशन मिला था। ऑल द बेस्ट प्रभाकर। थैंक यू सर। प्रमोशन पाने वाले मिस्टर प्रभाकर को हमारा धन्यवाद। इस प्रमोशन की तरह आपकी पत्नी को भी परमिशन देकर ऊपर भेज देंगे। उसे बचाने की कोशिश नाकाम होगी मिस्टर प्रभाकर। आपके घर के चारों तरफ बम लगा दिए गए हैं। इस तोहफे को कबूल कीजिएगा, आपका प्यारा विरोधी। Damn it! हेलो हेलो हेलो। मिस्टर प्रभाकर सर, आपकी पत्नी की मौत के कारण आपने इस्तीफा दे दिया? नहीं सर, इस बच्चे को पालने के लिए। एक जान के खातिर आप अनेक बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। सर, मेरा बच्चा। आपके बच्चे के बारे में चिंता मत करो मिस राधा। ये है मिस राधा। बहुत कठिन परीक्षा के बाद इनको नियमित किया गया है। ये आपके बच्चे की ख्याल रखेगी। आज से आपके बच्चे की परवरिश करना हर तरह से मेरी जिम्मेदारी है। बोले प्रभाकर, आपको देश चाहिए या आपके घर चाहिए? Thank you.
मॉर्निंग उमा। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपसे बात नहीं करूँगी। क्या हुआ उमा? कल रात आप मेरे कमरे में क्यों नहीं सोई? ओह तुम्हें नहीं पता, कल रात तुम्हारे डैडी तुम्हारे पास सोए थे। जीत गई, मैं जीत गई। तुम जीत गई तो मैं भी जीत गई। देखा तुम्हारे डैडी को कैसे बदल दिया। थैंक्स टीचर। आ गया, पीछे जाओ, बस आ गया, और जॉनसन आ गया, पीछे जाओ, साहब को सलाम करो, प्लान करो, इस हाथी का अगवा कर लेंगे। हाथी का अपहरण करेंगे? अरे तुम भी बच्चों जैसी बात कर रहे हो। वहाँ देखो हाथी अपना कैसे सूट हिला रहा है, उसका अपहरण कैसे करेंगे? सुन, उस रिंग मास्टर का ड्रेस तो चोरी करके पहन लेगा और वो चाबुक हाथ में पकड़ कर अगर बोलेगा तो ये हाथी तेरे पीछे बिल्ली की तरह आएगा और फिर राधा मेरी बाहों में। ए, जो उसमें तो मुझे आना चाहिए, हाथी देख रहा है। ए, हम उस तरफ से किडनैप करेंगे। चलो। अरे वाह, बात बन गई। सुन। क्या बात है? वो आ रही है, मेरी बातें याद है ना? क्या कहा था? हाँ, याद है। जैसे ही वो आएगी हाथी छोड़ देना। राजा, हाथी मुझे चढ़ गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, फिसल के गिरेगा बस। इसीलिए ड्रेस और चाबुक, चल धूम मचा। अभी आया। गजेंद्र निकलो। हाँ मुझे मत गुरु, डर लगता है। हाँ अरे अरे घबराइए मत। ए, मैं संभाल लूंगा। ए, चल 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 पीछे चल। अप, 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 मैडम मैडम ए सोमू मैडम। अरे पीछे चल सोमू, जल्दी आ। अरे फूल जल्दी आना। मैं क्या? पीछे चल चल चल। अरे चल। हे गजेंद्र चलो मेरे साथ चलो। गजराज फॉलो मी। अब आएगा मजा। अरे गजेंद्र रिंग मास्टर को मार रहे हो। अरे गजेंद्र छोड़ दोगे? अरे मर गया। अरे छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ दोगे? राजा, अरे राजा मेरे पास, राजा जल्दी बचा मुझे इस गजेंद्र से, जल्दी आ जा। अरे मर गया, ये खींचे जा रहा मुझे। अरे बचा, आ जा राजा। चल चल, जान बची लाखों पाए। हाथी घबराइए मत, हाथी चला गया। आप ठीक तो है ना? मैं अपनी फिक्र कभी नहीं करता। सही समय पे आके आपने मेरी जान बचा ली, पता नहीं कैसे शुक्रिया अदा करूं। आज मैं पता नहीं किसका चेहरा देखा था, आज इतनी सुंदर लड़की मेरी बाहों में है, मुझे उस हाथी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप? मेरा नाम राजा है, लेकिन नाम की तरह मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। यंग मैन, फिट फॉर लव। मैं चलती हूँ। फिर कब मुलाकात होगी?
जब आते आएगा तब? हर रविवार मैं नाव लेकर उस तरफ जाने के लिए यहाँ पर आती हूँ। अब मैं चलती हूँ। राजा। हेलो डार्लिंग, मैं आपका चाहने वाला हूँ। ये गुलाबी होंठ, सुराहीदार गर्दन, मोतियों के दांत देने वाले को। जब तुम मुझे छूते हो तो मुझे कुछ होने लगता है। ये सारी तारीफ मुझे देखकर आए नशे से बोल रहे हो या तुमने जो शराब पी है उस नशे में? वो क्या के मैं जानबूझ के नहीं। देखो, तुमने मुझे बताया होता तो मैं खुद ही तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देती, पर तुमने जल्दबाजी में रमा को गोद ले लिया। हाँ नलिनी, एक जरूरी बात है। रमा सो गई क्या? हाँ वो सो गई। नलिनी, जनरल प्रभाकर एक बहुत बड़े फौजी अफसर है। उनकी इकलौती बेटी है जिसका नाम उमा है। बिल्कुल हमारी रमा की तरह ही है। बिन मां की उस बच्ची से वो बहुत प्यार करते हैं। बेचारी, उस बच्ची को कैंसर है, आखिरी स्टेज पर है। पता नहीं कब उसकी जान निकल जाएगी। वो लड़की मर गई तो जनरल पागल हो जाएंगे, जिससे ये देश ही एक महान फौजी अफसर को खो देगा। हे भगवान, उसका और रमा का क्या संबंध है? संबंध है, रमा और उमा को बदल देंगे। उमा मर भी गई तो हमारी रमा उमा बनकर उस जनरल के पास रह लेगी। लेकिन उसमें एक अड़चन है। कैसी अड़चन? इसके लिए रमा अगर नहीं मानी तो क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए अंकल। ए रमा, तू यहाँ है? हमारी बातें सारी सुन ली तूने? हाँ मैंने सुना। हमारा जीवन किसी अच्छे काम के लिए होना चाहिए, आश्रम में मुझे सिखाया है। मैं उमा बन के जनरल के पास जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा बताइए अंकल। चालाक बच्ची है। उस जनरल की बेटी उमा की सारी बातें, तौर तरीके तुम्हें सीखने होंगे। फिर उस घर की तफसील मैं तुम्हें बताऊंगा। बताइए ना। इसे कहते हैं ब्रेड। इसे कैसे खाया जाता जानती हो? इस तरह मक्खन निकाल के उस पे लगा के सीधा मुंह में डाल दो। हाँ, ऑमलेट खाओ। ए, ए, नीचे रख। ऑमलेट ऐसे नहीं खाते हैं, चम्मच के साथ खाओ। चम्मच उठाओ, खाओ। अरे ऑमलेट कैसे खाया जाता सिखाऊं? देखो। हाँ, इस तरीके से खाना चाहिए और ब्रेड को इस तरह खाना चाहिए। अरे छोड़ो दी, तुम बैठ के यहाँ पे लिखो, मैं अभी आती हूँ। ए बी सी डी। Get up, get up. कम उड़ू साइड। कम तो कम, नहीं तो जगह और काम करो। ये क्या है तुम जानती हो? अंकल, ABCD के बाद क्या आता है? ओ, तुम भी नहीं जानती हो। मैं सिखाता हूं तुम्हें इंग्लिश। गो, कम उड़ू साइड। देखा कितनी बड़ी कलम है ये? यहीं बैठकर मैं पूरे भारत का नक्शा बना सकता हूं। ABCD, तेरे बाप की दाढ़ी। तू आती है तो आ, वरना रास्ता देख के जा। मैं पीता हूं सैयद बीड़ी। अंदर है पानी की मटकी, तू उसको जाके लगा फटकी। शट अप। कौन? इधर देखो, तुम किसी भी बात में दखल दो, लेकिन पढ़ाई के मामले में बिल्कुल दखल मत दो। क्यों क्यों नहीं? माइंड योर ओन बिजनेस, प्लीज गेट आउट। थैंक यू। देखो तो मुस्तफा कैसे है, अपना काम देखो। अच्छा, ये के बाद क्या आता है? जेड मैडम को भी मालूम नहीं है। हाँ, नहीं, टेक। हमारे ड्रामे में इस ड्रेस को तुम बाद में पहनने वाली हो, लेकिन हम जो ड्रामा करने वाले हैं उसकी कहानी को तुम पहले अच्छी तरह से समझ लो। सुनो बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अच्छी तरह समझ लो। उमा ही इस ड्रामे की हीरोइन होगी और तुम सब इसके साथी। तुम सबको अपना अपना काम अच्छी तरह से करना होगा, समझ गए ना? इसमें तुम्हें डांस और गाना भी गाना होगा। मुझे विश्वास है तुम ये ड्रामा अच्छा करोगी।
अच्छा मैं अभी सबको बताती हूँ कि सबको क्या क्या करना क्यों आए हो? तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी छुट्टी होने तक तुम्हें मिले बगैर नहीं रह सकता। भगवान के लिए इस तरह यहाँ मत आया करो, अगर किसी ने देख लिया तो मैं तो फंसूंगी, साथ में इंक्वायरी में तुम भी फंसोगी। तो फिर मामूल के मुताबिक हफ्ते के आखिर में नदी के पास मिलेंगे? वो इस हफ्ते नहीं हो सकता। क्यों? इस हफ्ते शाम को उमा का डांस प्रोग्राम है और मुझे वहाँ पे रहना ही पड़ेगा। तो फिर मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। ओके, उमा बुला रही है, मैं चलती हूँ। उमा, रमा, रुमा, रमा, एक्सचेंज। राजा, आगे की रो में कौन बैठा देखा? मैं राधा से बात करता रहूंगा, तू मौका देखकर जनरल की बच्ची को क्लोरोफार्म देकर बेहोश कर दे। मैं राजा के बाजू में जाके बैठ जाऊं तो? अबे तेरी तो करता है रे, जा बैठ, बच्चा बहुत भारी है। अरे बैठना, साला समझता ही नहीं है, क्या करो, सर को वहीं रखना है ना मत। हाय, हेलो आंटी, ये कौन है? ये मेरे दोस्त हैं और ये उमा है। गुड इवनिंग अंकल। अंकल? आंटी के दोस्त हुए तो अंकल हुए ना। बहुत अकलमंद बच्ची है। आंटी की ट्रेनिंग है। आंटी टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। अच्छा परफॉर्म करना। कोड वर्ड्स है, डिकोड डिक्शनरी लेकर आओ। जनरल प्रभाकर की बेटी का अगवा करने वाले हैं। माय गॉड, ऑफिसर मुझे जल्द जाना होगा, अरेंज फॉर सिक्योरिटी। ओके, आओ
मेरे साथ आओ। मुझ पर हो मालिक का करम, हम बच्चों पर कर तू रहम, प्रार्थना मेरी तो सुन। जाने कहां सब गए भगवान, उनसे तो मुझको मिला। उमा है डैडी। हाँ हाँ
आग, 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 आग लग गई, भागो, भागो, जल्दी बाहर निकलो, भागो, छोड़ो। अरे आग लगी, भागो। अरे जल्दी आना। अरे आटो, अरे मैं कहता हूँ रास्ता छोड़, जल्दी आगे चलो, आगे चलो। अरे अब हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा, ओके? उमा, तुम यहाँ पर हो? तुम खो गई हो सोच के मैं घबरा गई थी। क्यों सर, आप इसे यहाँ पे लेकर आए? हाँ, लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई है। ये क्या कह रहे हैं, ऐसी बात है? बाहर का कोई नहीं है, अंदर वाला ही है। मेरे खिलाफ जो दुश्मन है वही है, मेरा ऐसा गुमान है। डैडी, इस सब का कारण है जो आप मेरी ठीक से देखभाल नहीं रखते। आज के बाद मैं तुम्हारी पर्सनल केयर लूंगा, ओके? थैंक यू डैडी। मैं डैडी से कुछ बात करना चाहती हूँ, आप सब बाहर जाएंगे? ये क्यों यहाँ रुके हैं? ये मेरे पर्सनल। वो सब ड्यूटी में, यहाँ नहीं। आप बाहर जाएंगे? उमा, तुम उसे बहुत प्यार करती हो ना? हाँ। डैडी, कल क्या है बताइए? कल फ्राइडे है। बहुत जरूरी दिन है, इतना भी याद नहीं है? नहीं ना। माँ की बरसी का दिन। डैडी, कल आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे, कहीं मत जाना। क्या डैडी? ओके ओके। You have done a good job. तुम दोनों को देखते ही मैं तुम्हारी काबिलियत पहचान गया था। इस वक्त जनरल की बेटी कहाँ है? हमारे पास है। उस लड़की को फौरन अब हमारे हवाले कर दो। क्यों? जनरल का खून करने का कंडीशन था, लेकिन बच्चे को तुम्हारे हवाले करने का कोई कंडीशन हमने कबूल नहीं किया था। यू आर थरोली मिस्टेकन। जनरल को मौत के घाट उतारना है। अगर तुम इसमें एक बार चूक भी गए तो उस लड़की को ढाल बनाकर हम जनरल को खत्म कर सकते हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, जब हम निशाना लगाते हैं तो कभी नहीं चूकता है। बेकार में हमारे बीच ये मतभेद कैसा? पहले तुम तय करके बताओ कि तुम्हारे लिए बच्ची जरूरी है या तुम्हारी अपनी जिंदगी। राज वर्मा, मैं अभी इनके साथ जाके बच्ची को उठा लाता हूँ। मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आई? बचपन से ही मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, सिर्फ डैडी को ही देखा है। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वो एक जनरल है ना। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको माँ बुला सकती हूँ। हाँ, तुम जो चाहे बुला सकती हो, ममता की मूरत हो तुम। यहाँ छू लिया तुमने मुझे, बहुत ऊपर चली गई हो। ये दोनों अंकल ही तुम्हें यहाँ पे लेकर आए। अच्छा, अंकल आपका बहुत थैंक्स। उमा, अब तुम जाके आराम कर लो। चलो सोमू, अब क्या करे, धर्म संकट में फंस गए यार। तुम्हें आग में कुंजे का बड़ा शौक था ना, जलन तो होगी ना, अनुभव कर लो पीछे। उमा, मुझे अपनी माँ समझती है, इतनी प्यारी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे करे? जाने की जो घड़ी आई है वो उसकी है या हमारी, इसका समय ही बताएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नलनी, सच बताओ तो सुनो, घबराए भी ना सुनो। उस लड़की को कैंसर वैंसर कुछ नहीं। मैं और सोमू दुनिया वालों को धोखा देकर खुशी से जी रहे थे, इस कमीनर राज वर्मा से मिले और इस मुसीबत में फंस गए। ऐसे तो नहीं आ गए तुम, नोटों की गठियां दी है तुमको? जनरल को मारता हूँ बोल के रोज मुझे ही मारते थे ना, अंडे से लेके बकरी तक सब कुछ खा लिया तुमने। तुम्हारी सेवा करते करते मेरी हालत पतली हो गई, ये जानते हो तुम?
जनरल को मारने के लिए तुमने रमा को उमा बना दिया, उसी से मैं बॉस को मना कर देते कि हम नहीं कर सकते। बेईमानो, आपके बॉस कौन है? बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर है जो सारी दुनिया उसको पहचानने लगेगी। दुनिया वाले उसको बॉस कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ लॉस हो रहा है। उसे किसने देखा है? सिर्फ उसका साया देखा है, सिर्फ आवाज सुनी है। वो बच्ची को मांग रहा है। अगर नहीं देंगे तो? नहीं दिया तो हम सब मारे जाएंगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं, उमा मुझे अपनी माँ समझती है, आप लोगों को भी अच्छा इंसान समझती है। रात को जब वो सो जाएगी तो उसे ले जाइएगा, अभी उसे मेरे पास ही रहने दीजिए। बेचारी। अरे वो बेईमानों को बादशाह, अंधेरे का इंतजार करो। अरे मार दिया। उमा, ओए, कम ऑन। डैडी, मैं सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, आपकी टीचर भी होंगी। मैं जो भी कहूंगी आपको मानना होगा, ठीक है? प्रॉमिस। प्रॉमिस। इतने दिनों से आपने शादी नहीं की, अब तो शादी कर लीजिए। ये कैसे होगा बेटी? तुम्हारी माँ के मरने के बाद उस जगह को भरने के लिए कोई नहीं मिली। माँ जैसी कोई मिल जाए तो? उमा तो ऐसी बातें नहीं करती थी। ये तो उमा हो ही नहीं सकती। मैं एक बात पूछूं? पूछिए ना। अगर तुम्हारी जैसी दूसरी लड़की आई तो क्या मैं उसे बेटी स्वीकार कर लूं? क्यों नहीं डैडी, मैं उसे अपनी छोटी बहन समझूंगी। नलिनी, नलिनी, इस तरह दरवाजा खोलने वाली नहीं है। कहीं भाग तो नहीं गई? दरवाजा तोड़ डालो। राजा, वहां देखो। Shame on you! वो बच्ची मुझे अभी चाहिए। इतनी जल्दी मांगोगे तो कैसे दूंगा? वो सब हम नहीं जानते, हमें इमीडिएटली बच्चा चाहिए है। ढूंढ के नहीं दे सकते ना? चुप, शट अप। उसका मतलब है मुंह बंद करो। एक आदमी बच्ची को ढूंढने जाएगा, तब तक दूसरा वाला यहीं पर रहेगा। बच्ची को ढूंढने में जितने दिन की देर लगेगी, यहाँ रहने वाले आदमी के नाक, कान, हाथ, पैर काट काट कर अलग कर दिए जाएंगे। और उन सब टुकड़ों को लेकर जाके कसाई की दुकान पे बेच डालेंगे। समझ लिया तुमने? वन थिंग, बच्ची जनरल के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इस बारे में विदेशी एजेंटों को खबर कर चुका हूँ। सोमू, मैं रहूंगा, तुम जाओ। है राजा, मैंने पहले ही कहा था मुसीबत को मोल मत लो, अब गले पड़ गई ना, मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। सोमू, ए, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, उस बच्चे को तुम किसी भी तरह ढूंढ निकालोगे। जाओ जाओ, बोला ना। ये सब क्या है? स्पून, नाइफ, ये सब ले जाओ, मुझे अपनी आदत नहीं बदलनी, जाकर पत्ता लेकर आओ। राधा, मालिक इनका हुक्म सुना तुमने? किस लिए दो पत्ते? एक तुम्हारे लिए और एक डैडी के लिए। एक पत्ता काफी है। डैडी, उमा, आज के बाद तुम्हारा जो दिल चाहे करो, तुम जिसे चाहो मिलो, आज से तुम फ्री बर्ड। थैंक यू डैडी। राधा, सर, कल से तुम्हें उमा के साथ स्कूल जाने की जरूरत नहीं। ओके ओके सर। रमा, आंटी, रमा, तुम मेरे साथ चलो, वापस उमा को उसके पिता के पास भेज देते हैं। क्यों आंटी? उमा को कैंसर है, ऐसा उन दोनों अंकल ने कहा था ना, वो बिल्कुल झूठ है। वो उसके पिता को मारना चाहते हैं, उन्होंने प्लान बना रखा है, इसीलिए तो उन्होंने तुम बच्चों की अदली बदली की है। आंटी, मुझे इसी वक्त उमा से मिलना है, हम तीनों को मिलकर कोई प्लान बनाना चाहिए, ठीक है ना?
उमा अरे हम दोनों तो देखने में एक जैसी लगती हैं। हर बात में एक जैसी होनी चाहिए। मैं तुम्हारे डैडी के साथ रह रही हूँ और मैं आंटी के साथ रह रही हूँ। तुम्हारे डैडी मैं तुम हूँ समझकर कितना प्यार करते मुझे पता है। मेरे डैडी के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं जानती हूँ। तुम ही खामखा डर रही हो, उनकी ड्यूटी ऐसी है। वो कितना प्यार करते हैं तुमसे पता है। सुनो, चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। तुम्हें ये बात माननी होगी कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम जानती हो उन्हें मारने के लिए एक गिरोह ने प्लान बनाया है। ये तुम क्या कह रही हो। हाँ, इसीलिए तो उस दिन थिएटर में उन दोनों अंकल ने तुम्हारी अदली बदली की, और अदली बदली में तुम्हारी जगह बदल गई। वैसे वो दोनों अंकल बहुत अच्छे हैं। अब हम क्या करेंगे। मैं उनके साथ ही रहती हूँ। तुम और मैं आंटी के साथ मिलकर तुम्हारे डैडी की जान बचाएंगे। क्या कहती हो। अच्छा, ये तुम्हारे दोस्त का हाथ है, बढ़कर हाथ मिलाओ। अगर बच्ची कल तक नहीं मिली तो दूसरा हाथ भी, और फिर उसके बाद। नो 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 नो। अच्छा राजा, आप तुम्हारी आंखों को मैं देख रहा हूँ क्या। क्यों नजर नहीं आएंगे, रोड रोलर की तरह तो हैं आप। आंखें रहने से ही सिर्फ देख नहीं सकते, अच्छा आदमी भी बनना चाहिए, तभी मुझे देख सकते हो। क्या बोल रहे हैं, कौन है आप। तीन सौ साल पहले मरे हुए तांत्रिक की आत्मा हूँ मैं, तुम जैसे लोगों की सहायता करने के लिए आया हूँ। अरे आत्मा आत्मा छोड़ो, मैं इस पर भरोसा नहीं करता हूँ। ये बात है तो फिर ये बताओ, तेरे साथ जो रहता था हाथी की तरह तेरा साथी, वो कहाँ है। उसी के लिए तो। चिंता मत करो, मेरी अद्भुत शक्ति से मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आओ आओ। ओए नौजवान, आत्माओं के विवाह का दिन है आज। क्या, आत्माओं का भी विवाह होता है। आत्माओं की दुनिया इस पापी दुनिया से बहुत बेहतर है। साधारण मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वो आत्माओं के जीवन में भी होता है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। इन आत्माओं की दुनिया में जो कुछ होता है तुम्हें बताऊंगा। अब तुम्हें जो बहुत पसंद है उन्हें सोच कर आंखें बंद कर लो। बंद करो। ओम जय काली ओम, जय काली ओम, जय काली ओम। नौजवान नौजवान उधर देख। ओ ख्वाबों की दुनिया में तुम मिले, तुम मिले, तेरा ही था मुझे इंतजार, इंतजार। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, आ गई सजन, आ गई सजन, दोनों जहां मिल गए हैं आज तो। तुम मिले, तुम मिले।
तेरी ये दूरियां है क्यों, आज लग जो तू गले से क्यों सता रही। तुम जो मिल गए खुशनुमा लगे आज ये जहां, महक उठी है सारी कायना, ऐसा लगता है मुझे बादलों पे चल रहे ओ सजन मुझको तू संभाल। ख्वाबों की दुनिया में तुम मिले तुम मिले। चलूं तुझे चांद तारों से भी आगे देश परियों के, हम बसाएंगे वहां एक नया जहां कोई ना हो वहां। तेरे लिए मैं मेरे लिए तू सातों जन्मों का साथ ये रहे, तेरे प्यार का जादू वो चला खिंच आओ मैं बस तेरे लिए। आजा मेरी बाहों में दूरियां ये क्यों रहे सुन ले तू प्यार की सदा। अब की दुनिया में तुम मिले तुम मिले। तेरा ही था मुझे इंतजार इंतजार ओ मेरे सनम। आ गया सनम आ गया सनम, दोनों जहां मिल गए आज तो, ख्वाबों की दुनिया में तुम मिले तुम मिले। अब अरे ये क्या कोई नजर नहीं आ रही है। अब अब ये क्या गुरु आधे में चली गई। तुमने मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं किया, अगर किया होता तो वो तुम्हारे साथ ही रहती। नहीं मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। भरोसा करेगा हाँ? तो फिर तुम्हारा काम करने की जिम्मेदारी मेरी है। आज इन सब का काम करने के बाद इन्हें भेज देता हूँ, कल तुम्हारा काम करूँगा। करेंगे अवश्य। अच्छे गुरु है, चलता हूँ। वल आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया, इसने मेरी बात पर भरोसा कर लिया, कल वो जरूर आएगा, हमारा प्लान सक्सेस। राजवर्मा राजवर्मा क्या हुआ क्या हुआ? एक खुशी का समाचार है। क्या जनरल हार्ट अटैक से मर गया है? उसे वैसे मरने नहीं दूंगा, उसे हम मारेंगे। हाँ, मैं नहीं, वो तुम लोगों का काम है। मैंने एक रास्ता ढूंढ निकाला है। क्या जनरल के घर की दीवार फाड़ने वाले हो? मजाक करना बंद करो। मैं एक तांत्रिक से मिला, वो बहुत शक्तिशाली है, सारे माया जाल अच्छी तरह जानता है। ओहो, इसी के लिए कई महीने से खाने की मेहनत कर रहे थे। ये मंत्र तंत्र शंतर सब मेरी सासू माई बहुत अच्छी तरह से जानती है। मेरे साथ आओ, एक रुपए में 10 तांत्रिक मिलते हैं। एक काम कर, मेरे साथ चल, उस मंत्रवादी से मिल, शक्ति क्या है तुझे पता चल जाएगा, उस जनरल को अपने वश में करके हमारे सामने खड़ा कर देगा। मंत्रवादी मंत्रवादी किसी बिल में होगा, ढूंढो मंत्रवादी मंत्रवादी। अरे राजा, मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम? मंत्रवादी Thank you.
मर गया मैं तो। राजुर्मा, राजुर्मा, अरे कौन है? कौन है? ये जगह, ये बहुत खतरनाक जगह है। दिन में भी कोई नहीं आता, तुम रात में आ गए, जल्दी निकले यहाँ से। जल्दी निकल जाओ, बहुत खतरनाक जगह है। नहीं, मेरा दोस्त अंदर है, उसे आने दीजिए। अरे बाबू, इसके कई रास्ते हैं, पता नहीं वो किस रास्ते से डरकर कुर्ते पड़ते भागा होगा। तुम भी निकल जाओ भैया। हाँ हाँ, निकल जाओ। जनरल, जनरल, वर्मा हमारे हाथ में है, वर्मा हमारे हाथ में। अरे अरे, छोड़ दो मुझे, मेरा कलेजा बाहर निकल जाएगा। छोड़ दो मुझे। स्टॉप इट। कम आउट, ऐसे कम आउट। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? किस लिए? अरे सच बता दे। तुम चाहे मुझे जितना भी सता लो, लेकिन मैं एक ही सच्चाई जानता हूँ। तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तुमसे सच्चाई उगलवाने का तरीका मुझे आता है। मुझे छोड़ दो, मैं सच बोल देता हूँ। बोल, कम ऑन, टेल मी, ये तो बेहोश हो गया। ऑफिसर्स, कुछ देर में ये होश में आ जाएगा, बाद में पूछताछ करेंगे। कम ऑन। राधा, अब और मुझे नाटक करने की जरूरत नहीं है, और जो भी मैंने नाटक किया उसमें सफल हो गया। बच्चों को लेकर अंदर जाओ। चलो। सर, हमारी कस्टडी में राज वर्मा मर गया। माय गॉड। यस सर, उसने खुदकशी कर ली। इट इज सुसाइड। नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। कम ऑन, फॉलो मी। बेहोश है सोचकर उसे अकेले छोड़ना हमारी गलती थी। आत्महत्या करने का कोई चांस नहीं था। इनमें से ही किसी ने कुछ किया होगा। ओके, जो कुछ होना था सो हो गया। आगे इसके बारे में सोचेंगे। बॉडी को हटाओ। इतने सारे पैसे देकर उसने क्यों भेजे? ये पैसे तुम्हें उन्होंने यूं नहीं दिए हैं। जनरल की जिंदगी की कीमत है इतने पैसे। तुम्हें तांत्रिक का भेष बदलकर भेजा था ना? और कोई नहीं है जनरल प्रभाकर। हमारे सारे रहस्यों को बाहर निकालने के लिए राज वर्मा का खून करने वाला और कोई नहीं है जनरल प्रभाकर। क्या, राज वर्मा को मार दिया? हाँ, उस जनरल का किसी भी कीमत पर खून करके उसे कैप गार्डन में लाने के लिए उस यक्ष ने कहा है। अभी चलते हैं, वो जनरल दुनिया के किसी भी कोने में रहे उसे मारकर मिस्टर यक्स को सौंप देंगे। मंत्रवादी, मंत्रवादी। नौजवान, कल आपसे मिल नहीं सका, वो जगह भी बूढ़ा खंडर लग रही थी। ओहो, तुम पापी मन के साथ आए थे, इसलिए मुझे नहीं देख पाए। ठीक है,
मुझसे जो वादा किए थे वो पूरा कीजिए। क्या है बताओ ना। जनरल प्रभाकर को मेरे हवाले कर दीजिए। जनरल प्रभाकर मैं ही तुम्हें लाकर सौंप दूंगा सौंप दूंगा। इसके पहले कि तुम उसे ढूंढ कर यहाँ पर लाओ, मैं तुम्हें प्रभाकर को यहीं पर दिखाता हूँ। Yes, मुझे ही जनरल बनना था। मैंने प्रभाकर को मारने की कोशिश की लेकिन मैं बार बार नाकाम रहा, इसलिए हार कर मैंने ये काम तुम्हारे हवाले कर दिया। जनाब अब जनरल मेरे पास है। वेरी गुड, मारने के लिए कहा तो उसे लेकर ही आ गए। उसको अपने विदेशी एजेंट के हवाले करके हम भी वहीं रह जाएंगे। तुम्हें मैं बहुत सारा पैसा दिलवाऊंगा इनाम के तौर पर। हम सब सुरक्षित सरहद के पार उसके टापू में चले जाएंगे, समझे? अच्छा वो जनरल कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए, एकदम सही सलामत है। उन्हें अगर आपको सौंपना है तो एक शर्त है। कैसी शर्त? तू नहीं समझा, कंडीशन। वहाँ उसके पास जो नलिनी है, राधा है, रमा है, उन सबको रिहा करके हमारे हवाले करना होगा। वो इतना आसान नहीं है, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है। उनको तुम्हारे पास लाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? जैसा हम कहेंगे वैसा आपको करना होगा। ओके ओके। तुम इन्हें अंदर ले जाओ, चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस राधा। जनरल प्रभाकर ने कोई खास मैसेज आपके लिए इस टेप के जरिए आपको पहुंचाने को कहा है। ये बातें, बैठिए मैं आती हूँ। थैंक यू। यहाँ देखो ना, कितना सुंदर है ना। क्या बात है राधा, जनरल ने टेप में कोई संदेश भेजा है, विजय कुमार लेकर आए हैं। राधा मैंने राजा और सोमू को अपनी तरफ मिला लिया है, तुम नलिनी और बच्चों को लेकर विजय के साथ यहाँ आ जाओ। मेरी बात समझ गए ना? That's all. मुझे इसमें कोई संदेह हो रहा है। अच्छा क्यों राधा? जनरल ने हमसे कहा था कि अब उनके नाटक में हमें शामिल होने की जरूरत नहीं, पर अब मुझे लगता है इस चाल में राजा और सोमू का ही हाथ है। मेरी वहाँ जाने से ही हालात को समझकर बच्चों को बचा पाऊंगी। पर तुम क्या करोगी? तुम नहीं जानती नलिनी, राजा मुझसे बेहद प्यार करता है।
और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। सच में क्या वो तुमसे प्यार करता है? हाँ, वो मेरी बात नहीं टालेगा। राधा, अगर तुम्हारा सोचना गलत निकला तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें किसी भी हालत में उमा को बचाना है, इसलिए तुम उसे यहाँ से ले जाकर अपने गांव चली जाओ। कुछ दिन वहीं रहो, मैं रमा के साथ जाती हूँ। वहाँ के हालात देखकर मैं तुम्हें वहाँ से खबर कर दूंगी। लेकिन नलनी, देखो राधा, सोचने का समय नहीं है। तुम जाओ और उमा का ख्याल रखना। हेलो। हेलो, मैं हूँ नलनी, चलिए चलते हैं। सिर्फ आप ही आ रही हैं? जी नहीं, ये भी आ रही है। जनरल ने राधा और एक बच्ची को लाने के लिए कहा था। राधा कहाँ है? वो अंदर ही है। एक्सक्यूज मी, राधा, राधा, राधा। उमा और मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, हम लोग नहीं मिलेंगे राधा। Follow me. हेलो। हेलो, प्रभाकर अंदर है? गुड। नलिनी, राधा नहीं आई? राधा को हम पे विश्वास नहीं था, इसीलिए वहां से भाग गई। वो चली गई, उसे जाने दो, हमें तो प्रभाकर ही चाहिए ना। राधा के बगैर मैं नहीं आऊंगा। तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। डोंट बी सिली, तुमको मैं तुम्हारी मनचाही मुंहमांगी कीमत दूंगा। सोमू, तुम इनके साथ जाओ, मैं राधा को लेकर वहां जाऊंगा। ओके ओके, प्लेन स्टार्ट करो। ए, मुंह मत लटकाओ, खुशी से रहो, समझ गए? Don't move. Hey, sit down. किसी ने हिलने की कोशिश की तो इसे जान से मार दूंगी। Very good. मैंने जो टेप में कहा था उसे तुमने राधा ने अच्छी तरह समझ कर काम किया। Thanks a lot. सोमू, पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान को मारो ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। इन्हें तुम मारना चाहते हो जानकर भी इन्होंने तुम्हें और राजा को छोड़कर उस राजवर्मा को पकड़ा। क्यों? ताकि तुम दोनों कभी सुधर सको। आखिर तक तुम दोनों को इन्होंने मौका दिया, लेकिन तुम। सोमू, रमा और उमा तुमसे जितना प्यार करती है उस प्यार की मुझे फिक्र है। उमा की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन रमा के बारे में सोचो। लोग, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन सब लोगों को मेरे हवाले करके यू मे गो। बच के जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं, तुम सबको साथ लेकर। सोमू, थैंक यू सोमू। आओ, डोंट मूव, सबको बांध दो। मेरा शक सही निकला, वो विजय कुमारी इस सब का कारण है और तुमने उसका साथ दिया। राधा, मेरी बात सुनो। चुप करो, उन्हें मारने आयो ये जानकर भी उन्होंने तुमसे प्यार किया, ऐसे इंसान को तुमने पैसों के लिए मारना चाहा। तुम एहसान फरामोश हो। राधा, ये क्या बोल रही है? तुम दोनों को सुधारने के लिए जिस आदमी ने आज तक हमारा साथ दिया उसकी मौत का कारण तुम दोनों बनोगे। राधा, तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है और उसके लिए तुम मुझे भी मार सकते हो। मुझे माफ कर दो राधा, मैं ये सब बात नहीं जानता था। उसने हमें सुधारने की कोशिश की ये भी मैं नहीं जानता था। अब बताता हूं, मैं अपने जान की कुर्बानी देकर मैं उन्हें बचा कर लाऊंगा। रुक जाओ, तुम अकेले उन्हें नहीं बचा सकते, हमें सेना की मदद लेनी होगी। चलो चलते हैं। चीयर्स। जनरल का हमारे हाथ आना कोई आम बात नहीं है, उसे अपने पास रखकर हम कुछ भी कर सकते हैं। Then what about the two men we have engaged? एक तो पहले ही हमारे पास है, दूसरा कभी भी आता होगा, फिर हम जो भी चाहें कर सकते हैं, करवा सकते हैं। हमें हमारे काम से मतलब है, दूसरी की फिक्र हम क्यों करें? उन्हें खत्म करो। हाँ,
हेलो मिस्टर प्रभाकर। अबे कमीने। सोमू तुम्हारा दोस्त राजा आ गया है। राजा आ गया। हाँ? जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, कान जल्दी खोलो। रुक जाओ, इसकी बात मत मानो, ये तुम्हें मार देगा। नहीं जाओ, डोंट गो। Welcome, Mr. Prabhakar. Welcome. Welcome. इस पर दस्तखत कर। Just signature. ये तुम्हारी दी हुई लंबी छुट्टी की अर्जी है। अपनी गैरहाजिरी में तुम मुझे डिप्यूट कर रहे हो, मिस्टर प्रभाकर। हाँ? नो, ऐसा दोषद्रोही का काम मैं मरकर भी नहीं करूंगा। जो कहा वही करो। तू देशद्रोही है, मैं इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूं। करते हो या नहीं? नहीं होगा, नेवर। अगर तुम लोगों ने मेरी जान भी ले ली तो मैं साइन नहीं करूंगा। नहीं, कैसे कराना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इस नल्ली को इतना परेशान करूंगा कि तुम खुद ही दस्तखत कर दोगे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। Ah!
चलो। नहीं गाड़ी में खराबी आ गई है। जनरल आप सबको लेकर प्लेन में जाइए, मेरी बात सुनिए, जाइए जल्दी। जल्दी करो।